हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी डालगोना कॉफ़ी। आई एम श्योर आप सब में से बहुत सारे लोग इसे बना चुके होंगे। मैं जानना चाहती थी कि ये कोल्ड कॉफ़ी से कितनी डिफरेंट है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम हैं दोनों के, तो बनाने के प्रोसीजर से टेस्ट में कितना डिफरेंस आएगा, और इसे बनाना मुश्किल है या आसान है, टाइम टेकिंग है, वर्थ ट्राई है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं क्यों ना इन दोनों कॉफ़ीज़ को साथ में ट्राई करूँ और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा बोल लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये प्रोसेस थोड़ा मैसी होगा और जब मैं हाथ से विस्क करूँगी तो थोड़ा बड़े बॉल में ईजी होगा। और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून यूज़ किया है। सभी ज़्यादातर जितने भी वीडियोज़ मैंने देखे हैं सेम रेशो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 1 टीस्पून कॉफ़ी है तो 1 टीस्पून ही शुगर ऐड कर रहे हैं। बट मुझे मेरी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं है, इसलिए मैं 1 टीस्पून कॉफ़ी और 2 टीस्पून शुगर ऐड करूँगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हो तो सेम रेशो ही यूज़ करना। और मेरे पास ये इंस्टेंट कॉफ़ी ही इस वक्त घर पर अवेलेबल थी, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसके मैं 3 सैशे यूज़ करूँगी, तो ये 1 टीस्पून बनेगा। और अब मैं यहाँ पर 2 से 3 टीस्पून मैंने पानी ऐड किया है। ये गर्म पानी था, बट मुझे लगता है यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया है। बट मुझे लगा कि इस वक्त ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, आगे चलते हैं कैसा रहता है। सबसे पहले मैंने हैंड विस्कर से इसे विस्क करने की कोशिश की। मुझे लगा 2-3 मिनट बाद ही ये मैं नहीं कर सकती हूँ, हाथ से करना बहुत मुश्किल है, बहुत देर तक हाथों की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो देन मैंने हैंड मिक्सर यूज़ किया और उसके बाद इसे बीट किया, एंड इट वाज सो इजी। ये 4 से 5 मिनट में ही विस्क हो गया था, पूरे सॉफ्ट पीक्स बन गए थे अच्छे से, जिस तरह से हम क्रीम को व्हिप करते हैं उसी तरीके का टेक्सचर आ गया था। सो यहाँ देखिए, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोशन में दिखा रही हूँ। देखिए इस वक्त यहाँ पर इसे का कलर चेंज होने लग गया है, और उसके बाद 2 मिनट, फिर 3 मिनट और 4 मिनट अप्रॉक्सीमेट मुझे मैक्सिमम लगे थे और ये बिल्कुल रेडी हो गया था। सो गाइस, अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो आपके लिए ये कॉफ़ी बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आप इसे हाथ से कर रहे हैं तो सोच के ट्राई कीजिएगा, बहुत मुश्किल है। कम से कम 12 से 15 मिनट लग जाएंगे अच्छे से विस्क करने में, पूरे सॉफ्ट पीक्स बनाने में, क्योंकि अगर ये मिक्सचर हल्का नहीं होगा तो ये दूध के ऊपर फ्लोट नहीं करेगा, दूध के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो ये कॉफ़ी बनाना आपके लिए बहुत ही ईजी है। अब 4 मिनट के बाद आप देखिए, ये काफ़ी लाइट वेट भी दिख रहा है, सॉफ्ट पीक्स भी बन रहे हैं, एकदम व्हिप्ड क्रीम की तरह दिख रहा है। मुझे इस वक्त यहाँ पर और बीट करना चाहिए था या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी इसका टेक्सचर जितना स्मूथ और लाइट लग रहा है, थोड़ी देर में ये काफ़ी बैठ गया था। तो आप आगे वीडियो में देखना कि इसका टेक्सचर थोड़ा चेंज हो गया था बाद में। तो इतने में मैंने सोचा कि पहले मैं एक नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ, जो कि हम सभी अपने घर पर बनाते हैं। मैंने 1 कप दूध लिया और 2 कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी के सैशे ऐड किए, और 1 चम्मच मैंने चीनी ऐड की, और उसके बाद मैंने इसे नॉर्मल मिक्स कर लिया था। अब मेरी नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी रेडी है। मैं आइस यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप कोल्ड कॉफ़ी में आइस यूज़ करते हैं तो आप डेफ़िनेटली डालगोना कॉफ़ी में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं एज इट इज़ डालगोना कॉफ़ी को भी बना रही हूँ। 1 ग्लास मैंने दूध लिया है और ये चिल्ड मिल्क था बिल्कुल फ्रिज का, इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं किया है। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर जो मैंने कॉफ़ी और चीनी को विस्क किया था वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप देखिए कि ये फ्लोट तो कर रहा है, बट धीरे धीरे इसका जो हल्कापन था वो ख़त्म हो रहा था और पीक्स जो थे बिल्कुल बैठ रहे थे। आई डोंट नो कि क्या कमी रह गई थी, किस वजह से ऐसा हो रहा था, क्योंकि जब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रखा तो इसके अंदर जो हवा थी, पता नहीं वो ख़त्म हो गई या क्या, वट एवर, बट ये दूध के अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो गई थी।
आई थिंक मैंने जो गर्म पानी इसमें ऐड किया था, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। इस वजह से ही शायद शुरू में ये मिक्सचर पहले ही थोड़ा पतला हो गया था, तभी इतने सॉफ्ट पीक्स बन रहे थे कि वो ज़्यादा देर तक फ्लोट नहीं कर पाई। मैं ज़रूर दोबारा ट्राई करूँगी, बट इस वीडियो को मैं बिल्कुल रॉ रखना चाहती थी, एकदम एज इट इज़ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जैसी भी बनी है मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कहाँ गलती की है। तो अब फाइनली बारी आती है टेस्टिंग की। टेक्सचर की बात तो अलग रही, लेकिन कोई भी खाने की चीज़, चाहे वो दिखने में ज़्यादा सुंदर हो या कम, लेकिन खाने में तो ज़रूर टेस्टी होनी चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पर पहले मिक्स कर रही हूँ, और बाय द टाइम जब तक मैंने इसके कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, तब तक आप देखिए ये मिल्क के अंदर काफ़ी हद तक मिक्स हो गया था। तो अब मुझे टेस्टिंग के वक्त ये हुई तो थी कि इतने सब तामझाम के बाद इसका एटलीस्ट टेस्ट तो कोल्ड कॉफ़ी से बेटर होना ही चाहिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज सो गुड, इट वाज सो क्रीमी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी से इसका टेस्ट बिल्कुल अलग था, कोई कंपैरिजन नहीं है। इतना सब तामझाम किया, लेकिन आई वाज सो हैप्पी कि बहुत अच्छी बनी है, और इसे मैं ज़रूर दोबारा से ट्राई करूँगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगा होगा। बी सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस नहीं कर पाएँ। सो गाइस, मैं चलती हूँ और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।